क्रियाकलाप चार। कक्षा के केंद्र में बैठे एक विद्यार्थी की आंखों पर पट्टी बांध दें। यह ध्यान रखें कि नाक के छिद्र खुले रहें। विद्यार्थी को निर्देश दें कि जब उसे ताली की आवाज सुनाई दे तब वह ताली के आवाज की दिशा को हाथ से दर्शाए। अब शिक्षक इशारे से केंद्र में बैठे उस विद्यार्थी के बराबर दूरी पर आगे तथा पीछे एक एक विद्यार्थी को, इसी प्रकार दाईं और बाईं तरफ एक एक विद्यार्थी को ताली बजाने के लिए चयनित कर ले। इन चयनित विद्यार्थियों को इशारे से बारी बारी ताली बजाने के लिए निर्देशित करें। शेष विद्यार्थी शांत रहकर हर बार ताली की दिशा एवं केंद्र में बैठे विद्यार्थी के द्वारा हाथ से दर्शाई गई दिशा का अवलोकन करें। यह प्रक्रिया 8 से 10 बार दोहराई जाए। यह क्रियाकलाप अन्य विद्यार्थियों पर भी दोहराएं तथा देखें कि क्या सभी अवलोकन समान मिले। क्या केंद्र में बैठे विद्यार्थी के द्वारा हमेशा ताली बजने की सही दिशा दर्शाई गई? उस विद्यार्थी को इस प्रक्रिया में किस अंग से सूचना मिल रही थी? उसके किस अंग के द्वारा प्रतिक्रिया दर्शाई जा रही थी? आपने इस क्रियाकलाप में देखा कि केंद्र में बैठे विद्यार्थी के द्वारा दाईं और बाईं दिशा सही दर्शाई गई, पर जब आगे या पीछे ताली बजाई गई तो दिशा दर्शाने में भ्रम हुआ। हमारे दोनों कानों के बीच दूरी है, इसलिए दाईं ओर से आने वाली ध्वनि की सूचनाओं का दोनों कानों तक पहुंचने के समय में भी अंतर आ जाता है, जिससे मस्तिष्क में इन सूचनाओं का भेद हो पाता है। परंतु आगे या पीछे से आने वाली ध्वनि की सूचनाओं के समय में कोई अंतर न होने के कारण मस्तिष्क में इनका भेद नहीं हो पाता। अर्थात मस्तिष्क तक आने वाली सूचनाओं के प्रति मस्तिष्क हमेशा एक जैसी प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं करता। कई सूचनाओं की प्रतिक्रियाएं भ्रमित रूप में होती हैं, जैसा आपने उपरोक्त क्रियाकलाप में देखा। क्या आप जानते हैं, हमारे देश में मस्तिष्क संबंधी वर्तमान शोध कार्यों से जुड़ी डॉक्टर शुभा तोले ने मस्तिष्क के विकास का व्यापक अध्ययन किया है और कुछ अनैच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण संबंधी क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक आनुवांशिक पदार्थ की पहचान की है। इसके लिए उन्हें विश्व भर में ख्याति प्राप्त हुई है। उन्हें हमारे देश में सन 2010 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से नवाजा गया है। डॉक्टर शुभा तोले मुंबई के टाटा अनुसंधान केंद्र में अभी भी कार्यरत हैं।